हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक। मैं मुक्ता जैन, हमारा बुटीक हल्द्वानी उत्तराखंड में है। आज हम आपको कुछ साड़ियों से बनी ड्रेसेस दिखाएंगे। सभी साड़ियाँ अलग अलग तरह की हैं और उनसे हमने जो ड्रेसेस तैयार की हैं वो भी अलग अलग कलर की हैं, और ये अलग अलग शहरों से आई हुई साड़ियाँ हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब दोनों के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस मेंशन कर रखा है, फ़ोन नंबर भी। आप उससे फ़ोन नंबर लेके हमसे बात भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे हमारी 100 की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम साड़ी से बनी ड्रेसेस डालते हैं डेली की एक, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये जो साड़ी है ये मेरी सजानपुर की क्लाइंट है, ये भी मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं। इनकी हमारे पास दो साड़ियाँ आई थी, जिसमें से एक साड़ी की ड्रेस बनके जा चुकी है, ये सेकंड साड़ी है। इससे हमें एक ड्रेस तैयार करनी है। ये काफ़ी हैवी साड़ी है। ये डबल शेड में है। आगे की साइड आप देख सकते हो ग्रीन कलर है, और हम बैक साइड देखते हैं तो पैरेट ग्रीन है। इसमें एक रेशा पैरेट ग्रीन है और एक ग्रीन है। ये इसका पल्ले वाला पार्ट है, पल्ले वाला पार्ट फुल एम्ब्रॉयडर्ड है मल्टी कलर में, और बाकी में ये आप देख सकते हो कि काफ़ी हैवी बॉर्डर है, और पल्ले वाले पार्ट में बूटीज हैं कई सारी, और अंदर की साइड भी ये जो आधे मीटर का पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट है ये बिल्कुल प्लेन है, और उसके बाद जो है नीचे बूटीज हैं, ऊपर प्लेन है। इससे हम एक डिफरेंट तरह का गाउन तैयार करेंगे, जिसमें हम पल्ले का भी यूज़ करेंगे और बॉर्डर का भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इस साड़ी से हम क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने सव्यसाची पैटर्न में गाउन तैयार किया है। साड़ी में आपने देखा था कि पल्ला काफ़ी हैवी था, तो उससे हमने इस पल्ले की जैकेट तैयार की है। फ्रेंड्स, इसकी जो चोली है वो हमने सव्यसाची के पैटर्न में दी है। साड़ी का जो पल्ला था हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पल्ला, उसकी हमने जैकेट वाला लुक दिया है। ये हमने अंदर से पैच दिया है, पूरा फ्रंट पार्ट है आप देख सकते हो, बैक प्लेन है हमारा, और फ्रंट में ही हमने जैकेट लुक करके दिया है। सव्यसाची के अधिकतर पैटर्न में क्या होता है, एक जैकेट का लुक ब्रॉड होता है और डीप, और अंदर से चोली होती है। तो इसमें जो साड़ी का पल्ला था हैवी, वो हमने जैकेट लुक में दिया है, जिसे हमने गोटा पट्टी के साथ कवर अप किया है, और अंदर का जो हमने पार्ट था वो हमने प्लेन साड़ी वाले फैब्रिक का दिया है। नेक हमने इस तरह में दिया है, जो कि शोल्डर इसके चौड़े आ रहे हैं और अंदर से ये ब्रॉड है। बैक हमने छोटा दिया है, आप इसमें फिनिशिंग भी देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग दे रखी है। हर चीज़ हमारे यहाँ इंटरलॉक के साथ कवर होती है, और साड़ी की ड्रेस में हम अब क्रिएटिव माँ का टैग भी लगाते हैं। स्लीव्स हमने सिंपल दी हैं। इस ड्रेस को हमने पूरा जो रेफरेंस पिक हमारे पास आई थी उसके अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश की है। साड़ी का घेर प्रॉपर सेम है, इसके अंदर जो लाइनिंग है वो हमने सेंटून की दी है, और जो ऊपर लाइनिंग है वो हमने कॉटन की दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी मेरी YouTube सब्सक्राइबर की है, ये दिल्ली से है। इन्होंने हमें तीन साड़ी भेजी है, उन्होंने हमसे WhatsApp पे ही डिस्कस किया था। ये साड़ी आप देख सकते हो, ये काफी स्टिच करी है ये वाली, और ये सीमर साड़ी है। इससे हम एक फिस्कट लहंगा बनाएंगे। इस साड़ी से हमने एक फिस्कट लहंगा सेट तैयार किया है। लहंगा हमने फ्रंट में बेल्ट करी है, बैक में इलास्टिक है। ये इनकी थाई तक का पार्ट है, थाई से ऊपर तक का, और नीचे हमने पूरा अम्ब्रेला दिया है। ये एक फिट, ऊपर से पूरा फिटेड पार्ट आएगा और नीचे से घेर आएगा। इसका जो हमने ब्लाउज तैयार किया है वो हमने राउंड वी नेक दिया है, बैक हमने डीप दिया है राउंड शेप में, इसके अंदर लाइनिंग हमने कॉटन की दी है, स्लीवलेस दिया है, और साइड में जिप दी है। दुपट्टे में हमने टिश्यू का फैब्रिक लिया है, और पीच कलर में डाई करा के हमने इसके चारों तरफ जो साड़ी थी उसका बॉर्डर हमने इसके दुपट्टे के चारों तरफ दिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये पिंक कलर की उनकी सिल्की साड़ी है, जो नीचे से एम्ब्रॉयडर्ड है।
इसका पल्ला दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसके पल्ले वाला पार्ट है, मैरून कलर का, पूरी साड़ी में मैरून बॉर्डर है और बीच में ये देख सकते हो आप एम्ब्रॉयडरी है पूरी। ये पल्ले पल्ले का पार्ट है और जो अंदर का साइड है वो प्लेन है और दोनों साइड बॉर्डर है एम्ब्रॉयडरी वाले ही। इस साड़ी से देखते हैं हम क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने कफ्तान सेट रेडी किया है। उन्होंने जो रेफरेंस पिक भेजी थी उन्होंने हमारी रील से ही सेलेक्ट करके आउटफिट भेजा था, तो ये कफ्तान सेट हमारा काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो सेम जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने कफ्तान बनाया है। ऊपर का कफ्तान शॉर्ट है और नीचे हमने पैंट दी है। साड़ी का जो ये वाला पार्ट था, बॉर्डर वाला जो पार्ट था, उसमें मैरून कलर था, तो हमने जो इसमें टसल्स लगाए हैं हमने मैरून कलर के ही लगाए हैं। इसमें हमने दो दो टसल्स दिए हैं कुशन के और बीच में हमने मोती दिया है और यही टसल्स हमने सेंटर में डोरी के साथ दिए हैं। लाइनिंग हमने इसमें कॉटन की दी है, फ्रंट ऊपर भी और नीचे भी। नेक हमने राउंड रखा है और बैक नेक हमने छोटा रखा है। ये इसका अपर पार्ट है। साड़ी के अंदर वाले पार्ट से हमने पैंट तैयार की है। पैंट हमने चौड़ी मोरी की दी है, जो साड़ी का बॉर्डर वाला पार्ट था वो हमने नीचे की साइड दिया है। पैंट में फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। इसका लुक इस तरह में आएगा। ये इसका बैक पार्ट है। फ्रेंड, नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी की क्लाइंट की है। ये पिंक कलर की प्योर क्रेप की साड़ी है जिसमें कि वाइट कलर की पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये साड़ी का पल्ले वाला पार्ट जो है उसमें बड़ी बड़ी बूटीज अलग से हैं सितारों वाली, और जो इसके बॉर्डर है दोनों साइड में वो क्रीम कलर का प्लेन फैब्रिक है, उसके ऊपर इन्होंने कढ़ाई कर रखी है। साड़ी का जो अंदर की साइड का आधा ढाई मीटर का पार्ट होता है वो ऊपर की साइड प्लेन है और नीचे एम्ब्रॉयडरी है। ये इसके पल्ले की साइड का ढाई मीटर का फैब्रिक है। इसमें आप बॉर्डर भी देख सकते हो, बॉर्डर में काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी का वर्क दे रखा है। इसमें जो बड़ी बड़ी बूटीज हैं हम उन बूटीज को यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इस साड़ी से जो भी ड्रेस हम बनाएंगे उससे हम पूरी साड़ी यूज़ करेंगे, बट जो बूटीज हैं बड़ी वाली वो नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस साड़ी से हमने क्या बनाया है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक जंपसूट रेडी किया है। क्लाइंट ने जो हमें रेफरेंस पिक दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रेस तैयार की है। नेक हमने राउंडिश भी रखा है। साड़ी का जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था उससे हमने चोली दी है, और जो साड़ी का अंदर का ढाई मीटर का पार्ट होता है हाफ प्लेन और हाफ एम्ब्रॉयडर्ड, उससे हमने नीचे का पूरा घेर दिया है कलियों वाला। ये इसका बैक पार्ट है। अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। फ्रंट का नेक हमने इसमें राउंडिश भी रखा है, और जो हमने बेल्ट दी है वो थोड़ा डायगनल में दी है। फ्रंट से ऊँची उठी हुई है और साइड से नीची है, इसे ही शेप देते हुए हमने इसमें साड़ी का बॉर्डर दिया है। कलियाँ भी आप देख सकते हो हमारी बिल्कुल मैच आई हैं सारी कलियाँ। इस साड़ी की लेंथ में दोनों बॉर्डर ऊपर नीचे दोनों थे, तो साड़ी की विड्थ काफ़ी कम हो गई थी, तो लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने दो जोड़ डाले हैं। जो पहला जोड़ डाला है उस वो हमने सेम कलर का डाला है जिसे हमने लेस गोटा पट्टी से कवर किया है, बाकी हमने बॉर्डर दिया है। स्लीव्स हमने बैलून दी हैं जो जिसका पफ ऊपर आता है, और नीचे हमने बॉर्डर दिया है स्लीव्स में। स्लीव्स हमने इसमें प्लेन फैब्रिक की डाली है। अब मैं आपको बैक दिखाती हूँ। बैक में हमने राउंड नेक दिया है और लंबी जिप दी है। जिप हमने हिप पार्ट तक ही दी है जिससे कि आसानी से जंपसूट चढ़ जाए और उतर जाए। ये ड्रेस उन्होंने ट्राई करी थी और उनकी काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। जब उनकी पिक आएगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी शिफॉन की मैरून कलर की साड़ी है। ये मेरी दिल्ली की क्लाइंट की है। ये अंदर से पूरी प्लेन साड़ी है, पल्ला इसका गोल्डन कलर में है और बॉर्डर भी आप देख सकते हो गोल्डन है। पूरी साड़ी प्लेन है। इस साड़ी से हम एक कफ्तान सेट बनाएंगे। मैरून सिल्क की साड़ी से भी हमने एक कफ्तान सेट बनाया है। काफ्तान इसमें हमने लॉन्ग रखा है और कॉलर वाला रखा है।
साड़ी का जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने कॉलर दिया है, कॉलर हमने कोट कॉलर दिया है, नेक डीप होने से हमने यहाँ पे एक पट्टी दी है, काफ्तान हमने बिल्कुल सिंपल रखा है लॉन्ग वाला, और जो साड़ी का गोल्डन बॉर्डर था वो हमने इसमें से हटा दिया है। इसमें भी लाइनिंग हमने कॉटन की दी है। इसकी पैंट हमने फिटेड वाली दी है कम मोरी की, ये 12 इंच की मोरी है, और पीछे आगे की साइड बेल्ट और पीछे इलास्टिक है। अब मैं आपको इसका भी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी आपने साड़ियों से बनी ड्रेसेस देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अब आप हमें बताइएगा इन सभी ड्रेसेस में से आपको बेस्ट कौन सी लगी। हमारे सभी जो क्लाइंट हैं वो हमें YouTube और Instagram दोनों के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। YouTube पे भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, वहाँ से जाके आप हमारा एड्रेस ले सकते हैं। और Instagram पे तो हमारी साड़ी से ड्रेस बनाने की 100 की सीरीज चल रही है, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर रखा है, आप हमें फ़ोन भी करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।